अप नेक्स्ट फॉर वीडियो नंबर थ्री, एज यू कैन सी द हेडिंग, डिबेंचर्स इशूड एज व्हाट? कोलैटरल सिक्योरिटी। तो अप नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डिबेंचर्स का इशू एज कोलैटरल सिक्योरिटी। फॉर द वेरी फर्स्ट वी डिस्कस एंड दिस इज द लास्ट। अगर आप बात करेंगे डिबेंचर्स के इशू में, तो हम लोगों के पास तीन तरीकों से हमने डिबेंचर्स के इशू को देखा। फर्स्ट वी डिस्कस्ड विद डिबेंचर इशू फॉर कैश, पैसे आपने दिए और कंपनी ने आपको डिबेंचर्स दिया। लेट्स गो विद सेकेंड। तो सेकंड में हमने क्या देखा, डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने सेकंड में क्या देखा, डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहां पे प्रमोटर को, वेंडर को, बिजनेस परचेज एंड अंडरराइटर को आपने पैसों के जगह पे, शेयर्स के जगह पे आपने क्या दे दिया था, डिबेंचर्स दे दिया था। एंड फॉर द वेरी लास्ट इफ यू सी विथ थर्ड, तो वी हैड इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो जो सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में ध्यान में आता है दोस्त, कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोलैटरल सिक्योरिटी, तो एक वर्ड के साथ कोलैटरल सिक्योरिटी को अपन रिप्लेस करेंगे एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, एडिशनल सिक्योरिटी। क्या बोलेंगे इसको, एडिशनल सिक्योरिटी। तो बच्चे का छोटा सा सवाल कि सर ये एडिशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, कि जब कभी भी आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक वाला कोई ना कोई आपकी एसेट्स को मॉर्गेज रखता है, कि भैया अगर आप रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दोगे तो वो एसेट्स को बेच के आपके पैसे को रिकवर कर लेगा। तो अब क्या होता है कि बैंक को कभी घबराहट है कि भाई अच्छा इस ये जो आपने एसेट को मॉर्गेज रखा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी, और बुक में कभी कभी आप वर्ड शायद प्रिंसिपल सिक्योरिटी के भी नाम से आप जानते हैं। तो बच्चा क्या बोलता है कि सर आपका प्राइमरी सिक्योरिटी, अब बैंक को ना कभी कभी मन में मान लोगों के लिए घबराहट है दोस्त कि ये प्राइमरी सिक्योरिटी आपकी सफिशियंट नहीं होगी डेट्स के रीपेमेंट करने के लिए, तो वो आपसे एडिशनल सिक्योरिटी भी रखवा सकता है जिसको अपन कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। तो कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, एडिशनल सिक्योरिटी विच इज यूटिलाइज्ड व्हेन योर प्राइमरी सिक्योरिटी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ योर डेट्स, कि आपके डेट्स को पे ऑफ करने के लिए अगर मेरा प्राइमरी सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है तो कोलैटरल तक जाएंगे, और अगर कोलैटरल सफिशिएंट प्राइमरी सफिशिएंट है तो फिर आपका कोलैटरल में अपने को कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो कंपनी जो है डिबेंचर्स को लोन के बिहाफ में, जो कंपनी ने बैंक से लोन लिया है ना, उस लोन के बिहाफ में वो कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं उस डिबेंचर्स के, डिबेंचर्स को। तो हम लोगों का तीसरा हेडिंग क्या बन रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, कि हम लोगों ने डिबेंचर्स को कोलैटरल यानी एडिशनल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किया। लाइक वेरी वेरी सिंपल टॉपिक दोस्त, वेरी वेरी सिंपल। वी हैव टू अकाउंटिंग पॉसिबिलिटीज आउट हियर अगर आप देखेंगे तो। एक हम लोगों का तरीका यहाँ पे क्या है, कि वेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, कि आप जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करना। तो बच्चा बोला सर फिर क्या, डिबेंचर होल्डर्स को या फिर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या हवे में समझ में आ जाएगा क्या अपने आप? आई एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्लोजर का पार्ट हम लोगों को बताना पड़ता है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्लोजर का पार्ट है जो आपको समझाना पड़ता है कि सर फलना चीज यहाँ पे डिस्क्लोजर के फॉर्म में वो नजर आएगी, दैट्स इट। एंड द अदर इज वेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। तो बच्चा बोला सर एक सिंपल सी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है व्हेन यू इशू द डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो लेट्स प्रोसीड फर्स्ट, व्हेन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सिंगल जर्नल एंट्री, आप सिर्फ क्या करोगे, बैलेंस शीट में आप उसको डिस्क्लोज करोगे किस तरीके से। सो इफ यू सी आर फर्स्ट, तो यहां पे हमने को क्या नजर आता है, हेडिंग व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, जब आप जर्नल एंट्री पास नहीं करते हो तो हमको कुछ भी नहीं दोस्त, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोज करके अपने को बताना है। तो बच्चा बोला सर कि बैलेंस शीट को देख के घबराता नहीं, घबराता इस रीजन से नहीं दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि सर शेड्यूल थ्री की बैलेंस शीट है सर, सुपर मैंडेटरी कि अपने को इसी तरीके से बनाना है। अब बच्चा क्या बोलता है कि सर यहाँ पे देखो हम लोगों के पास एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था 1 लाख रुपए का, ये नोट नंबर 1 का रेफरेंस है 5 लाख रुपीज का। तो एक बार चेक करते हैं कि 5 लाख रुपीज का लोन क्या है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹5 लाख, सेटल्ड अमाउंट इमेजिनरी है, हमने एक एग्जांपल के लिए ले लिया कि हमारे पास 5 लाख रुपए है। एंड ऑल्सो दोस्त यहाँ पे आप देख रहे हो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो बच्चा बोला सर क्या शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है दोस्त। यहाँ पे भी क्वेश्चन का एक अजम्पशन है कि हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स माना है, अगर आप इसको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मानोगे तो आपका हेड चेंज हो जाएगा दोस्त, ये नॉन करेंट लाइबिलिटी की जगह पे फिर आपको करेंट लाइबिलिटी में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दैट इज अगेन नॉट अ पॉइंट ऑफ डिफिकल्टी दोस्त। बट अब सिर्फ और सिर्फ चूंकि हम लोग कोई एंट्री पास नहीं कर रहे, तो मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को कैसे पता चलेगा, मेरे यूजर्स को कैसे पता चलेगा कि भैया आपने डिबेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किया है। तो बच्चा बोला कुछ भी नहीं सर, ये लोन के नीचे में देख सकते हो दोस्त आप, सिर्फ आपको एक लाइन लिख के दिखानी है, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6,000, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 एज कोलैटरल सिक्योरिटी।
तो अगेन दोस्त 5 लाख का डिबेंचर हमने इशू किया, 5 लाख का लोन हमने लिया है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 लाख का हमने डिबेंचर इशू कर दिया है। नो स्ट्रेस सर, इमेजिनरी फिगर्स है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको बैलेंस शीट में इस तरीके से डिस्क्लोज करके आपको बताना पड़ेगा कि सर हमने फलना डिबेंचर्स को इशू किया है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, दैट्स इट। अब नेक्स्ट, अगर जर्नल एंट्री पास करनी है, बच्चा बोला इफ यू नीड टू पास जर्नल एंट्री, हम लोग स्टार्ट में दो में हिस्सों में बाइफरकेट कर दिए थे, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास तो यू जस्ट नीड टू डिस्क्लोज वेदर लॉन्ग टर्म वेदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, वी जस्ट नीड टू डिस्क्लोज उसके लोन के जस्ट नीचे में कि सिक्योर्ड बाय सो एंड सो डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एंड व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, अगेन अ नोशनल और इमेजिनरी जर्नल एंट्री दोस्त। तो बच्चा बोला सर यहां पे हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, आप देख पा रहे हो दोस्त डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, डिबेंचर्स अकाउंट। दोस्तों सिंपल है, जैसे मैं अगर पूरे टॉपिक को कंक्लूड करूं तो डिबेंचर्स का जब आपको पास पैसा आता है ना तो आप एंट्री पास करते हो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स। आज कोई पैसे थोड़ी ना आ रहे हैं सर, ये तो लोन का पैसा आ रहा है जिसके बिहाफ में आप डिबेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू कर रहे हो। तो एक नोशनल हम लोग क्या कर लेते हैं, डिबेंचर सस्पेंस नाम का एक लेजर खोल देते हैं सर, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर, हमने एक एंट्री पास कर दी। और जैसे ही आपने एंट्री पास की तो बच्चे का अगला सवाल होगा कि गुंजन मेरे को ये बस इतना सा बता दे कि भाई इसको डिस्क्लोज कैसा करेंगे, हाउ वी विल डिस्क्लोज द सेम इन आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगेन लाइक वेरी सिंपल, पहले तो एंट्रीज को आप दिमाग में सेट कर लो कि सर कोई पैसे का आना जाना नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनरी और नोशनल एंट्री हम पास कर रहे हैं जिससे हम हमारे यूजर्स को बता पाएं कि भैया हमने लोन के बिहाफ में डिबेंचर्स को इशू कर रखा है एज व्हाट, कोलैटरल सिक्योरिटी। तो अगर आप डिस्क्लोजर के बारे में बात करेंगे तो जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगेन दैट सेम एक्सट्रैक्ट, एकदम सेम एक्सट्रैक्ट है सर। नॉन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारे पास कितने, 5 लाख। अब आप देखो तो जब आपने एंट्री पास कर रखा था, अच्छा ये पूरा साइड कौन सा है, तो आपको भी पता होगा क्रेडिट, ये पूरा मेरा साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड है सर। तो बच्चा क्या बोलता है कि सर देखो इसके नीचे में आपने क्या दिखा दिया, 6000 क्या दिखाया दोस्त, आपने देख पा रहे हो गए 6009% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, फिगर कितना 6 लाख, क्योंकि क्रेडिट हमने डिबेंचर्स को किया था और डिबेंचर सस्पेंस को जो डेबिट किया था ना आप क्रेडिट में माइनस करके दिखा दो दोस्त। अगेन अ पॉइंट ऑफ डिस्क्लोजर कि कुछ भी नहीं दोस्त, डिबेंचर लेस डिबेंचर सस्पेंस, देखना आउटर कॉलम तो निल ही है, आउटर कॉलम तो निल ही है दोस्त, मेरा लोन तो 5 लाख का ही है, ये सिर्फ यूजर्स के लिए है कि भैया अगर आप देखते हो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो आपको अलग से चमकता हुआ नजर आएगा कि डिबेंचर्स को आपने कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू कर रखा है, 5 लाख का लोन के एवज में हमने 6 लाख रुपीस का डिबेंचर्स को इशू कर दिया एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो डिस्क्लोजर के पर्सपेक्टिव से दो चीज ध्यान में रखेंगे, एक एंट्री और एक डिस्क्लोजर। एंट्री क्या समअप करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस 2% डिबेंचर्स, दैट्स इट। और डिस्क्लोज कैसा करेंगे, डिबेंचर्स लेस डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड चल रहा है तो डिबेंचर सस्पेंस को आप माइनस करके दिखाओगे, तो ध्यान रखना इसका डेबिट बैलेंस था तो मैं क्रेडिट साइड में माइनस करके दिखा रहा हूं, मतलब आई एम टेकिंग द इंपैक्ट ऑफ डेबिट ओनली, अ पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर। नेक्स्ट अ सिंपल एक क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एच लिमिटेड, हम लोगों के पास क्या हुआ दोस्त, एच लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ व्हाट, ₹9 लाख। एच लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹9 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इशूड व्हाट, 9000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज व्हाट, कोलैटरल सिक्योरिटी। तो आपने क्या किया, कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू कर दिया कितने, 10 लाख डिबेंचर्स। अगेन टू पॉसिबिलिटीज पे क्वेश्चन पूछा है, व्हेन एंट्री इज नॉट पास्ड एंड व्हेन एंट्री इज पास्ड। जल्दी से बताना दोस्त, अगर एंट्री पास नहीं होती है अज्यूमिंग द सेम टू बी अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बच्चा बोला सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होगा तो क्या फर्क पड़ेगा सर, बैलेंस शीट की हेडिंग में बस फर्क पड़ेगा दोस्त, आप नॉन करेंट लाइबिलिटी से उसको गिरा के करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर में ले आना। बट इफ एंट्री इज नॉट पास्ड यू नीड टू जस्ट डिस्क्लोज द सेम, कि वो लोन के नीचे में एक लाइन लिख दूंगा दोस्त, बता क्या, 10,000, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच वेयर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एंड लास्ट, बच्चा बोलता है कि सर अगर आपने जर्नल एंट्री को पास की है, इफ यू हैव पास्ड द जर्नल एंट्री, तो उस सिचुएशन में क्या होगा दोस्त, जर्नल एंट्री जब आपने पास करने, फिर से एक बार एंट्री को रिपीट कर देंगे, डिबेंचर सस्पेंस टू 9% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस टू 9% डिबेंचर अकाउंट। और उसका डिस्क्लोजर कैसा होगा, लोन के नीचे में डिबेंचर इनर कॉलम लेस डिबेंचर सस्पेंस, आउटर कॉलम निल। सिर्फ डिस्क्लोजर के पार्ट से किस तरीके से डिस्क्लोज होगा आप एक बार चेक कर सकते हैं दोस्त। तो फॉर द वेरी फर्स्ट, व्हेन एंट्री इज व्हाट, व्हेन एंट्री इज नॉट पास्ड, जब हम लोग एंट्री पास नहीं कर रहे हैं दोस्त। तो बच्चा बोला कुछ भी नहीं सर, देखो लोन के नीचे में सिर्फ आपने लिख के दिखा दिया,
डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, देखो 9 लाख, 9 लाख कहीं कोई आउटर कॉलम अगर कुछ भी नहीं दोस्त। एंड लास्ट, अगर बच्चा बोलता है सर कि अगर हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं तो एक बार एंट्री फिर से रिपीट करेंगे दोस्त, सेकंड टाइम फॉर द डे, डिबेंचर सस्पेंस 2% डिबेंचर्स। और आप देखो दोस्त, 9 लाख का डिबेंचर आपने इशू करके रखा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसके बिहाफ में आपने 10 लाख रुपए के क्या कर रखे थे, डिबेंचर सस्पेंस कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में आपने इशू कर रखा था, एंट्री बोलेंगे दोस्त 10,009% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी 10 लाख लेस डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख आउटर कॉलम निल एंड सो। आई होप दोस थिंग्स आर अंडरस्टूड। सो दिस वाज ऑल अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर एज व्हाट, कोलैटरल सिक्योरिटी।